बड़ी थी और बहुत हैवी था, तो सबने मुझे कहा कि यू नो पवन और लगता है पूरे ग्रुप में, वो सबसे लंबा भी है और बहुत बॉडी है, ये शायद वो इसको ड्रॉप कर लेते हैं ABCD से। देन ये बातें चल रही थी, अब तक मेरे तक नहीं पहुंची थी, बट वो बात पहले इसके पास पहुंची। इसने आया मुझे बोला कि सर ऐसे है, अमेजिंग। और दूसरी बात जो मुझे मालूम पड़ी कि जब ये लोग गए थे हिप हॉप इंटरनेशनल, उधर भी ब्रॉन्ज मेडल लिया था इन्होंने, उस टाइम पे जिस टाइम पे परफॉर्मेंस करते थे इसकी तबीयत इतनी ख़राब कि ये सबने कहा था कि शायद ये खड़ा भी नहीं हो पाएगा, बट उस वक्त भी उसने परफॉर्मेंस दिया, ब्रॉन्ज मेडल लिया और इंडिया का नाम वहाँ पर रोशन किया। सो आई नो हीज हार्ड वर्क एंड ही नेवर गिव्स अप। मेरा जो एटीट्यूड है लाइफ में, नेवर गिव अप, ये इसका भी सेम है। सब यहाँ से ही आया है यहाँ पे। हाँ, रो तो रही थी, मेरा बेटा फर्स्ट नहीं आया। उन्हें कभी लगा नहीं था कि मैं मिस्टर इंडिया बनूंगा। कि कोई बात नहीं, इवन इफ यू डोंट विन, यू आर विनर फॉर अस। मतलब बाजार में जब मैं जा रहा हूँ, अभी पहले मैं 10 मिनट में पहुँच जाता था स्टेशन, और मुझे 1 घंटा लग जाता है पहुँचने। सब गया, हाँ मेरा बेटा पवन आया। सब के बहुत अच्छा लग रहा थी, आई मेक देम फील प्राउड। ओके, क्रिसमस की विशेस एंड यस, ऑफ कोर्स इट्स सांता क्लॉज, ये हमारे लिए गिफ्ट लेके आया है। इस साल का सांता पवन है हमारा, और सब दर्शकों को हमारी तरफ से मेरी क्रिसमस एंड प्रॉस्परस न्यू ईयर। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव फन, मे दिस ईयर ब्रिंग ऑल ऑफ यू हैप्पीनेस। इट्स ऑलवेज बीन अ प्राउड मोमेंट फॉर मी, लाइक जब भी मेरे साथ रहते हैं, ही इज ऑलवेज बीन देयर फॉर मी लाइक अ सपोर्ट, ऑलवेज, जस्ट नॉट फॉर मी, इवन फॉर माई क्रू, फॉर ऑल द टैलेंटेड डांसर्स, बट टुडे आई एम लाइक रियली 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 प्राउड। आई रियली कैनॉट से इट इन वर्ड्स, शायद 2 दिन बाद बोल पाऊँगा, बट right now it's just like a dream going on. Like, thank you Peter England, Mr. India, for making me feel like a celeb today. Okay, what all tips Remo sister gave you, like ki kya karna chahiye, basically aap ek guru hai to kya kuch, there is one thing always learn from sir, to be humble and to be down to earth, not just right, I'm not just saying it right now, maine interview personal interview mein maine kaha tha ki Remo sir is the person who has always taught me how to be humble, how to be down to earth. Matlab, the main key behind being successful is being humble and just believe in yourself. No matter what, always believe in yourself. Jo jaise hai aadmi waise hi rehna chahiye. Abhi main bhi baat karne mein abhi Mumbai ka slang deta hu. To jaise hai waise hi hu main. But always believe in yourself and work hard. Just give your heart 100% all the time and rest is gonna follow. प्राउड मोमेंट है, जैसे जब भी मेरा बेटा स्कूल में या कोई मेडल लेके आता है या सब, जो प्राउड फील होता है, तो सोचो अगर मेरा बेटा कोई मिस्टर इंडिया सेकंड रनर आता है तो कितना प्राउड फील होगा। तो आई एम वेरी वेरी फीलिंग वेरी प्राउड फादर टुडे, एंड और जैसे था इसकी जर्नी जो नॉट ओनली वॉज डांसिंग, बट मैंने देखा है इसको अपने आप से, इसने अपने को जिस तरीके से मेंटेन किया, यहाँ तक सेकंड रनर पहुँचा है, मतलब उसके लिए बहुत है इसके इसने किया है, और वो जर्नी के लिए आई सल्यूट पवन, एंड अचीविंग दिस इज समथिंग रियली रियली ग्रेट एंड आई एम रियली प्राउड। एक्चुअली आई वॉन्ट टू बी द विनर, बट फिर भी आई वॉज वेरी हैप्पी कि मैंने आई टॉप 3 में आया। लेकिन इट्स नॉट ईजी, जब मैं ऑडिशन में आया था मैं तो रिटर्न जाने वाला था, सब देखा जैसे लास्ट ईयर के जो विनर थे विष्णु सर, तो उनमें एक टैलेंट था, दैट वाज फॉर इंस्पिरेशन फॉर पीपल कि अगर पवन राव डिड इट इवन यू कैन बी, कि सिर्फ मैं नहीं और भी है और एक्टर्स है जो ज़्यादा टैलेंटेड है, उनमें वो पोटेंशियल है। सो आई वॉन्ट देम टू इवन ट्राई नेक्स्ट टाइम
बहुत लोगों का ऐसा होता है कि सिर्फ डांसर्स ही करते हैं, डांसिंग ही कर सकते हैं, और उसके बाद उनका करियर खत्म हो जाता है, सिर्फ डांसिंग के बाद और क्या हो सकता है. तो एक्चुअली पवन ने बहुत अच्छा एक आंसर दिया है उन सबको कि डांसिंग के साथ साथ और बहुत कुछ कर सकते हैं, पवन ने कर दिखाया. सो ये हम सब के लिए भी बहुत प्राउड मोमेंट है एज अ डांसर. इट्स अ प्राउड मोमेंट दैट somebody from our community has become Mr. India. Version, a younger yeah. version than who's over here. I learn a lot from sir. Itne time se hum itne kaam kiye, we have been together, supported yes. each other. Itna naam banaya hai sir ne hamara. Aur ab tu hamara bana. But this is just a younger version of Remo sir today, and yes, I think even he is a Mr. India. Yeah. I think he's Mr. Universe for me today. I think dance yeah. will be the first one, because that is something which I have this today. Yes. मुझे याद है, मैं एक चीज बताता हूँ, शायद अभी आ जाए, इसको याद आ जाएगा. ABCD जब हम कर रहे थे तब कलेक्ट कर रहे थे कि